दिल्ली हिंसा में गोली चलाने वाले और पुलिस पर पिस्टल तानने वाले शाहरुख को पुलिस ने यूपी के शामली से धर दबोचा है। कई दिनों से लापता शाहरुख को दिल्ली लाया गया। क्राइम ब्रांच के एडिशनल सीपी अजीत सिंगला ने बताया कि शाहरुख पर आईपीसी और आर्म्स एक्ट की धारा 307, 186 और 353 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पे तो जो 307, 186, 353 और आर्म्स एक्ट लगा हुआ है, बाकी इसको भी इंटरव्यू करेंगे, अगर फर्दर कुछ ऐड हुआ तो ऐड करेंगे। शाहरुख की गिरफ्तारी तब हुई जब शामली बस स्टैंड से दोस्त के पास मिलने जा रहा था। पुलिस के मुताबिक शाहरुख मॉडलिंग का शौक रखता है और वो टिकटॉक पर वीडियो भी बनाता है। बहरहाल बुधवार सुबह कोर्ट में शाहरुख को पेश किया जाएगा। अभी तक ये पता नहीं चला है कि शाहरुख ने ये सब किसी योजना के तहत किया या फिर उसने सिर्फ जोश में आकर रिवॉल्वर तानी और फायरिंग की। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।